brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ रामपुर के सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आज दिन भर उन्होंने फील्ड में क्या देखा, कौन जीत रहा है, क्या टर्निंग पॉइंट रहे हैं, कौन किसके पाले में जीत जाएगी। इन पत्रकारों से हम जानेंगे पूरा समीकरण, क्या उन्होंने आज फील्ड में देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म खान साहब, ये ETV भारत से हैं। जी आज़म साहब, क्या देखा आपने चुनाव में? आमिर साहब, पहले तो आपको बता दूं, इस बार का चुनाव जो है बहुत ही, जिसे कहा, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मतलब जिस तरह चुनाव होते हैं उसमें जो जोर शोर पब्लिक में देखने को मिलता है वे कहीं ना कहीं नहीं था। अच्छा। उसकी कई वजहें हो सकती हैं। इस चुनाव के दौरान ही रमज़ान आ गए, ईद आ गई, अब मतदान हो रहा है तो चुनाव गेहूँ की कटाई चल रही है, शायद इस वजह से। लेकिन बहरहाल जो चुनाव में इस बार देखा तो लगभग जो पार्टी बेस पे चुनाव हुआ है, ये यानी सिंबल पे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का मोदी बनाम कमल, समाजवादी की बात करें आज़म बनाम साइकिल, प्रत्याशी जो भी रहे इन दोनों पार्टियों के, उनकी शख्सियत पे 10% वोटिंग हुई है। उसके अलावा सिंबल और पार्टी लेवल पर ही चुनाव हुआ है। बहरहाल जो जहाँ जिसका गढ़ था उसे वोट मिला है, कमल को भी वोट मिला है, साइकिल को भी मिला है। टक्कर साइकिल में और कमल के फूल में ही है। और उसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के निशान खां हैं, SC वोट उन्हें मिला, उनको सिंबल का वोट मिला है। बात करें महमूद पराजा की, उन्हें भी वोट मिला है। उन्हें जो कुछ टाइम हुए रामपुर में आए हुए, उन्होंने जिस तरह से रामपुर के लोगों के साथ खड़े हुए, उनके दर्द को बांटा, उनके दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने उनके साथ खड़े होकर कहा उन्हें इंसाफ मिलेगा, इस तरह से उन्होंने कई ऐसे मामले थे जिनमें कूद कर उनको धारण बजाया। बहरहाल इस वक्त मौजूदा हालात में अगर हम बात करें तो लगभग 6 बजे तक वोटिंग कम्प्लीट हो जाएगी। साइकिल का और कमल के फूल का ही कड़ा मुकाबला है, जो जिस तरह मतलब सिंबल को भी कह सकते हैं और हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी चला है। और अब देखिए क्या होता है, जनता ने हालांकि वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़ेगी। पिछली बार की हम बात करें, जिस टाइम जयप्रदा और आज़म खान का मुकाबला था तो लगभग आज़म खान ने 1,10,000 वोटों से जयप्रदा को पराजित किया था, उस टाइम 63% वोटिंग की हुई थी। लेकिन इस बार कुछ चांसेस बढ़े हैं कि शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हालांकि स्वार और मिलक की वोटिंग परसेंटेज सुबह से ही ऊपर चल रही है, शहर की बात करें शहर की सुबह से ही कम चल रही है। मौजूदा वक्त में 45% स्वार की है, 40% मिलक की है, 34% जो है शहर की है। बहरहाल शहर में कुछ गर्मी की वजह से भी लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि हमने भी सुबह से हम घूम रहे हैं तो जो शहर के बूथ हैं उस ज़्यादातर खाली मिले, क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी था, नमाज के वक्त था, इस वजह नमाज के बाद कुछ पोलिंग बूथ भरे हैं जहाँ पर लोगों की कतारें लगी हैं। तो आपको क्या मानना है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? देखिए, जीत हार का तो इतनी आसानी से कहना मुश्किल है, टक्कर कांटे की है। हम किसी भी एक प्रत्याशी को जीत का तमगा या हार का तमगा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं, शुरू में तो एक तरफा चुनाव था नामांकन के 2 से 3 दिन तक, लेकिन मतदान से 3 दिन पहले चुनाव काफ़ी कांटे का हो गया। अब क्या हुआ 3 दिन में, ये ऊपर वाला बेहतर जाने किस तरह, मतलब जो कांटे का एक तरफा चुनाव था एकदम कांटे का हो गया, इसके बारे में क्या गणित बैठी ये कुछ कहना मुश्किल है। तो टर्निंग पॉइंट क्या लग रहा है आपको, चुनाव क्या हो सकता है? देखिए टर्निंग पॉइंट क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी बस एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, किसी एक पार्टी को हम विजय घोषित नहीं कर सकते। एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जो भी विजयी होगा इन दो ही पार्टियों में से एक बंदा होगा, भाजपा या साइकिल। शुक्रिया। मेरे साथ सुरेश जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे रामपुर के, और काफ़ी पकड़ रखते हैं राजनीति पर। सुरेश जी, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? देखिए अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज वोटिंग हुई है मैं समझता हूँ कि वोटिंग बहुत कम हुई है। जिस तरीके से प्रशासन ने आपके सख्ती नहीं करी उस हिसाब से वोटिंग कम से कम 60 से 65% होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर 5 बजे की वोटिंग है तो लगभग 43% है। तो वोटिंग डाउन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी वोटरों में दिक्कत है, और उसका कारण यह है
कि जो वोटिंग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पर बूथों पर अभी शिकायतें हुई कि 12 आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ बीएलओ ऐसे हैं पर्चियाँ भी नहीं दी और गायब हो गए और उनको कहीं ना कहीं वोट करने का अधिकार समाप्त हो गया उनका। आज उन्हें वोट करना चाहिए था, लेकिन क्या दिक्कत है कि प्रशासन की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन अब जब बताऊँ आपको, जैसे त्रिकोणीय चुनाव था, लेकिन त्रिकोणीय चुनाव ना होकर आज वो समाजवादी के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आज उनमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर वोटिंग परसेंट बढ़ी है तो महिलाओं की वजह से बढ़ी है या युवाओं की वजह से बढ़ी है। जो लोग पहले पुराने वोटर थे वो वोटर आज नहीं डालने आए। उसका कारण है कि पिछली बार जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था रही उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हुए थे और उसी कारण आज वोटिंग परसेंटेज डाउन रही है। लेकिन अगर मैं बता दूं जीत हार की बात करें तो दोनों में कांटे की टक्कर है। जैसे अभी आजम भाई ने हमारे बताया कि इस बार कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, लेकिन पल्ला जहां तक उम्मीद मैं बता दूं भारी जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी का दिख रहा है। तो टर्निंग पॉइंट क्या रहा है इसमें? देखिए टर्निंग पॉइंट तो अभी ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट किया है तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर मोहिबुल्ला ऊपर दिख रहे हैं। अजय सैनी साहब हैं हमारे साथ TNP समाचार से हैं, क्या लग रहा है अजय भाई? अमीर भाई मैं आपको बता दूं कि सुबह से हम लोग भी घूम रहे हैं और अभी शाम 6 बजने वाले हैं, वोटिंग समाप्त होने वाली है, लेकिन हमने काफ़ी बूथों पे हम लोग गए लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से पहले चुनावों में 200 से 400 500 मीटर तक लाइन लगती थी, लेकिन इस बार लाइन देखने को नहीं मिली। या मुझे लगता है कि यहाँ के वोटरों को डर है रामपुर के लोकल के वोटरों, क्योंकि उपचुनाव में यहाँ पर डंडे फेरे गए थे, डंडे चले थे, तो इसलिए यहाँ जो है वोटर निकलने को तैयार नहीं है। उनका मकसद है कि क्या पता फिर भी हमारे उपचुनाव की तरह हमारे साथ यहाँ हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर जहाँ हार जीत की बात रहे तो क्योंकि त्रिकोणीय इस वक्त चुनाव यहाँ पर है, क्योंकि जो SC वोट है जो यहाँ से बसपा से प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो अपना SC वोट काट रहे हैं और कुछ मुस्लिम वोट भी काटेंगे, तो वहीं अगर देखा जाए तो कुछ मुस्लिम जो वोट कटेगा वो सपा को नुकसान होगा इससे। तो वहीं मैं आपको बताऊं कि पर्रा जो है अभी हम कह नहीं सकते कि दोनों का, क्योंकि अभी आपके ईद से पहले का पर्रा जो है 10 दिन पहले देखा जाए तो कमल का फूल का पर्रा काफ़ी अच्छा था, लेकिन ईद जब जैसे समाप्त हुई और जब लोग मुस्लिम भाई लोग निकले और उन्होंने जब पूरा सिस्टम देखा तो पर्रा जो है समाजवादी का बढ़ता गया, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि समाजवादी जीतेगी या कमल जीतेगा, लेकिन टक्कर दोनों की बराबर की है। टर्निंग पॉइंट क्या लग रहा है? टर्निंग पॉइंट के लिए हम ये चीज़ नहीं बोल सकते मेरे भाई, क्योंकि अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन लोधी जी जीत रहे हैं या जीत रहे हैं, ये तो सिर्फ 4 जून को ही पता लगेगा कि कौन जीतेगा। साजिद साहब हमारे सी न्यूज़ से हैं, साजिद भाई क्या लग रहा है? देखिए आमिर साहब, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? हार जीत तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं जिस तरह से प्रशासन ने इतनी ढील दी उस तरह से मतदाता घर से नहीं निकला। अब वजह क्या रही? पिछले उपचुनाव में जो पब्लिक ने देखा, सब ने देखा, हो सकता है पब्लिक इस वजह से डरी हो। अगर मतदाता निकलते तो आमिर जी परसेंटेज भी बढ़ती और परिणाम कुछ और ही होते। क्योंकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं उसमें तो साइकिल चल रही है, बाकी वही एक जातिवाद वाला जो है। टर्निंग पॉइंट क्या रहा, क्या लग रहा है आप? देखिए टर्निंग पॉइंट मैं बता दूं आपको, ये रामपुर में जो है खास करके मुस्लिम फैक्टर का, हिंदू मुस्लिम का। आज पूरा दिन क्या देखा कि दलित जाटर समाज का वोट जो है वो किधर को जाए? देखिए जाटर समाज का वोट जो है वो पहले हमने देखा कि भाजपा को पड़ता था, लेकिन वो अब फटा, वो वोट फटा। इससे पहले भाजपा को पड़ता था लेकिन वो पूरा सारा वोट भाजपा को नहीं गया। तो नुकसान किसको होगा? भाजपा को। चलिए मेरे साथ फहद खान है जो रिपोर्टर डाइजेस्ट से आते हैं। फहद भाई क्या लग रहा है आपको कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? देखिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी को टिकट दिया था तो साफ तौर पर यह लग रहा था कि घनश्याम सिंह लोधी जीत जाएंगे, क्योंकि वो मौजूदा सांसद थे और कम समय में उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया था। लेकिन जैसे ही बसपा ने एक अपने प्रत्याशी की घोषणा करी, ज़ीशान खान कैंडिडेट आए सामने, तो साफ तौर पर जो SC वोट था
वो जिशान के उनके जिशान खान के खाते में शामिल हुआ, तो कहीं ना कहीं जो ऐसी वोट जो उसमें बसपा के खाते में गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और इस वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि सुबह से घूमे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस टाइम ऊपर है, और जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वो वोट कटा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ऊपर है। टर्निंग पॉइंट क्या लग रहा है आपको? टर्निंग पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि जाटव वोट है, वो इस वजह से क्योंकि जाटव वोट साफ तौर पर जिशान को पूरी तरीके से जिशान खान को मिला है। और जो लोगों से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि साफ तौर पर ऐसे वोट उन्होंने जो उनकी बसपा की शख्सियत पर दिया है हाथी को, तो ये ऐसे वोट जो कटा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये रामपुर के हमने सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, जिन्होंने पूरे आज चुनाव के जो दिन भर उन्होंने कवरेज किया है, उन्होंने पूरा अपना समीकरण हमारे यूपी तक के दर्शकों को समझाया। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।